प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के इस संयुक्त सम्मेलन को किया संबोधित। देश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने पर दिया बल, कहा न्यायालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर राज्य सरकार दें ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क दौरे से पहले भारत में डेनमार्क के राजदूत स्वेन फ्रेडी ने कहा, दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी को लेकर किए जा रहे कार्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोल मॉडल। जनरल मनोज पांडे ने भारतीय थल सेना के 29वें सेनाध्यक्ष का संभाला पदभार। थल सेना अध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। तेल विपणन कंपनियां 1 मई को कल उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 5000 से अधिक एलपीजी पंचायतों का करेंगी आयोजन। एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग के अनुभव साझा करने के साथ ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के किए जाएंगे प्रयास। खादी ने 2021-22 में 1,00,000 करोड़ रुपए का किया कारोबार, भारत की सभी एफएमसीजी कंपनी को पिछाड़ा। देश भर में लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग का अनुमान 2 मई से मिल सकती है गर्मी से राहत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम में की चर्चा। खेलो इंडिया मास्टर गेम्स आज से नई दिल्ली में हुई शुरू, उम्रदराज खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता का केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। 30 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। संतोष ट्रॉफी के फाइनल में 2 मई को 32 बार के चैंपियन पश्चिम बंगाल का सामना होगा केरल से।